तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में क्लास 12वीं का प्रश्नावली 7.6 को पढ़ेंगे। ये 7.6 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में सिर्फ 7.6 से हमारा 2 क्वेश्चन आते रहता है। तो आप लोग इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। देखिए इसमें जितने प्रश्न हैं सबको समाकलन करना है, लेकिन समाकलन देखो क्या है इसमें कि अभी तक जो प्रश्न पढ़े थे सिंगल सिंगल को हम समाकलन करते थे, अब यहाँ पर गुना में सारे प्रश्नों में गुना में दिया रहेगा। देखो एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, इस तरह से अब समाकलन आपको करना है कि यदि गुना में भी रहे तो हम लोग उसको समाकलन कर पाए। तो कैसे करोगे, इसके लिए एक रूल है खंडसह विधि, जिसको आईलेट के फॉर्मूला पर सारे क्वेश्चन को बना देंगे। अब आईलेट है क्या आइए बताते हैं, 2 मिनट मेरे को समय दीजिए। आईलेट फॉर्मूला जैसे बताएंगे सारे प्रश्नों को हल कर दोगे। ठीक है, इसका हम थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सबसे पहले ना मैंने क्या बोला, आईलेट आईलेट आई का मतलब है इनवर्स, आई का मतलब है इनवर्स। इनवर्स में क्या आएगा, एक्स इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, ये सब आई में आ जाएगा। ठीक है, उसके 2 नंबर पर है लेट, लेल एल एल है एल, एल मतलब लॉग। अब लॉग में आप जानते हो कि लॉग एक्स लॉग टू एक्स ऐसा आएगा। उसके बाद ए है, ए में अलजेब्रिक, अलजेब्रिक। ठीक है, अलजेब्रिक में क्या आएगा, एक्स आएगा, ए आएगा, टू एक्स आएगा, टू आएगा, ये सब क्या है, अलजेब्रिक है। ठीक है, उसके बाद है टी, टी का मतलब है ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रीगो, क्या है ट्रीगो। ट्रीगो में क्या आएगा, साइन आएगा, कॉट आएगा, ये सब क्या है ट्रीगो। ई, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा भाई, ये आएगा एक्स के पावर एक्स, एक्स के पावर एन, इस तरह से जो होता है वो सारे एक्सपोनेंशियल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें आईलेट पढ़ने से 7.6 कैसे बनेगा। आई 1 नंबर पे है, एल 2 नंबर पे, ए 3 नंबर पे, टी 4 नंबर पे और ई 5 नंबर पे। तो देखो इसको बनाते समय एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ईव इंटू वी डी एक्स ऐसा, या इसको सेकेंड मेथड ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स। अब ईव इंटू वी का इंटीग्रेशन देखो, ये ईव अलग है वी अलग है बट गुना में है। ईव इंटू वी का फॉर्मूला होता है कि u को हम लोग बाहर कर लेंगे और दूसरे वाले को जो दूसरा है ना v, उसको हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसके बाद फिर लगाएंगे माइनस, फिर यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा और यहाँ पर जो u है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पर इसको कोस्ट में कर लेंगे इंटू, फिर यहाँ पर दूसरे वाले को क्या करेंगे इंटीग्रेशन, क्या करेंगे दूसरे वाले को इंटीग्रेशन, और उसके बाद यहाँ पर डी एक्स लगा देंगे, मतलब इसका एक बार अवकलन एक बार इसका समाकलन। अच्छा एक्स लिख दिया क्या मैं, यू है ना, यू यू बाई डी एक्स, यानी इसका हम लोग एक बार अवकलन करेंगे यू का अभी का इंटीग्रेशन, और जैसे मैंने किया उसके बाद ये देखो मैंने स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन लगाया, अब सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। कहने का मतलब है यहाँ समझिए, आपको 2 पद दिया रहेगा तो फर्स्ट को ज्यों का त्यों लिखना होगा, दूसरे वाले को इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, कर दिए माइनस लगाइएगा, फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा और पहला जो दिया है ना डी वन बाई डी एक्स कर दीजिएगा, मतलब पहला का अवकलन और उसके बाद दूसरा का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा और पूरा का कोष्ठ लगा करके डी एक्स लिख दीजिएगा, मतलब इन दोनों को हल करने के बाद जो आएगा उसका एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला पर सारे क्वेश्चन बनेगा। अब हम फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे, तो जो पहले आया होगा वो फर्स्ट, जो सेकंड, मान लो कि ए और टी में बात हो रहा है तो फर्स्ट कौन होगा, ए होगा क्योंकि ये पहले आया है, टी बाद में। मान लो कि एल और ई में बात हो रहा है तो एल पहले आया ना 2 नंबर पर, ए 5 नंबर पर, तो 1 ए हो जाएगा 2 ए हो जाएगा। आइए हम प्रश्नों को हल करेंगे ना, अपने आप पता लग जाएगा, ये बहुत आसान है। इतना समझिए कि मतलब कितना कहूँ आपसे, बहुत आसान है। ठीक है,
चलिए एक प्रश्न बनाएंगे, आप लोग खुद समझदार हो समझ जाओगे, मेरे को पता है। फर्स्ट प्रश्न है एक्स इंटू साइन एक्स। देखो दो प्रश्न बनाएंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। मेरे से भी पहले आप बना लोगे। सबसे पहले आप पहचानिए आइलेट के फॉर्मूला पर, एक्स क्या है भाई, एक्स हमारा एक अल्जेब्रिक है, साइन एक्स ट्रिगो है, अल्जेब्रिक यानी पहले आता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। देखो मैं यहाँ पर बताने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा ही आप लोग मत करना, ठीक है ना। समझाने के लिए फर्स्ट इसको सेकंड कर दिया ताकि आप लोग को पता चले अभी, ठीक है। चलो जी अब फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो इसको इंटीग्रेशन लगा दो। जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है ना तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दिया करो, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में सबको समाकलन करना है, तो समाकलन का चिन्ह लगा दो। और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड पहचानो, कौन फर्स्ट हुआ कौन सेकंड, क्योंकि एक्स यानी अलजेब्रिक पहले आया है तो एक नंबर पर जाएगा और ये साइन एक्स दो नंबर पर जाएगा। अब यू इंटू वी का फॉर्मूला जो मैंने बताया फर्स्ट सेकंड करके उसका लगा दो। फर्स्ट को क्या करते हैं भाई, फर्स्ट को हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, और दूसरे को इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कर दो, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलो उसके बाद लगता है माइनस, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और पहले वाले को डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, इंटू दूसरे वाले को इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स हो गया, और कोस्ट लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर डी एक्स लगा देंगे। देखो कितना आसान है। अब सिंपल कर दो, एक्स को एक्स रहने दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ये हो गया माइनस। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वन, इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस कॉस एक्स और एक्स ले करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, ठीक है, और ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस को मैंने बाहर कर दिया। वन और कॉस एक्स ले गुना करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स हो गया। अब ये देखो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है साइन एक्स, और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म होता है तो आपको सी लगाना पड़ता है, तो सी लगा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। देखो तो आसान है कि नहीं, सारे प्रश्न आसान है, बस आपको ध्यान देना है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन कठिन प्रश्न है आपसे नहीं बनेगा, सारे के सारे आसान है, आप बस ध्यान देते जाओ। एक और प्रश्न देखो, उसके बाद आप खुद कहोगे सर बहुत आसान प्रश्न है दूसरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, एक्स इंटू साइन थ्री एक्स है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। चलो जी ये एक्स है, ये साइन है, एक्स अल्जेब्रिक है और ये साइन एक्स ट्रिगो है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा, बस फिल कर लो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट सेकंड के फॉर्मूला पर इसको कन्वर्ट कर दो, फर्स्ट को क्या करेंगे ज्यों का त्यों, ठीक है, और दूसरे नंबर को क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ये साइन थ्री एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, पहले नंबर के लिए क्या करेंगे भाई अवकलन डी एक्स बाई डी एक्स, इंटू दूसरे नंबर को इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स डी एक्स, और उसके बाद टोटल का इंटीग्रेशन। अब चलिए अब यहाँ से एक्स का एक्स इंटू साइन थ्री एक्स का अब क्या करना है इंटीग्रेशन, साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थ्री एक्स, जो हमारा यहाँ मल्टीपल में रहता है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा वन इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थ्री एक्स बाई थ्री, और ये हो गया डी एक्स, ठीक है। अगले स्टेप में आएंगे, इसको गुना करेंगे तो माइनस वन बाई थ्री
एक्स कॉस 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1/3 जो है ना बाहर कर देंगे, बच क्या जाएगा, ये कॉस 3x dx। ठीक है, ध्यान से जो पीछे पड़े हो वही सेम काम है, बस शुरू में दो स्टेप आप नया चीज़ सीखे हो। कॉस 3x प्लस 1/3, कॉस 3x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 3x/3, जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म c जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से -1/3 एक्स कॉस 3x प्लस, इसको गुना करेंगे तो 1/9 साइन 3x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना? अब बताओ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई कठिन है? बस एक स्टेप यहाँ सीखना है, बाकी तो आप लोग सीखे ही हो, उसी को यूज कर देना है। एक बात आपसे बता दूं कि जिनको क्लास 12वीं का पूरा मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, ऑल चैप्टर, ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हो, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर सकते हो, या इस ऐप को डाउनलोड करके कार्व एकेडमी, देखो सेम यही नाम सर्च करो प्ले स्टोर पर जा करके, आपको वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लो। ठीक है, पूरा कंप्लीट कोर्स आप करा दिया जाएगा, बहुत ही मात्र कम फी है, बहुत कम फी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, कोर्स बेचने के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, कोर्स इसलिए बेचा जाता है कि थोड़ा बहुत मेरा भी खर्च निकल पाए। ठीक है, ऐसा कोई यहाँ सेलिंग भाव नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स के पावर 2 इंटू ई के पावर एक्स, ये क्वेश्चन है। अब देखो मेरे भाई, अब यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, अब फर्स्ट और सेकंड पहचानो। देखो तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक है, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है ना, तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो क्या रूल लगाएंगे बताओ। अब आप बताओ, पहले वाले को ज्यों का त्यों, दूसरे वाले को इंटीग्रेशन लगा देंगे, उसके बाद माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, पहले वाले को अवकलन और दूसरे वाले को इंटीग्रेशन, और टोटल में dx लगा देंगे। ठीक है, अब चलो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होगा, और यहाँ पर लगा दो dx। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस, ये जो 2 है ना कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स इंटू ई के पावर एक्स dx। देखो तो अभी यहाँ इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी हमारा जैसे प्रश्न दिया था उसी फॉर्म में है, बस उससे छोटा हो गया, और कोई हुआ क्या, नहीं। तो इसको क्या करना होगा, हटाना होगा, कैसे, फिर वही जो रूल लगाया है ना, अगेन एक बार रूल लगाएंगे और उस रूल से इसको कंप्लीट बना लेंगे। ठीक है, आइए इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, ठीक है, माइनस ए 2 का 2। अब यहाँ से ध्यान देना, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, क्योंकि अलजेब्रिक है एक्सपोनेंशियल है, तो एक्स को बाहर और दूसरे नंबर वाले को इंटीग्रेशन हो गया, फिर माइनस एक इंटीग्रेशन पहले वाले को अवकलन dx/dx इंटू दूसरे वाले को इंटीग्रेशन dx, और टोटल का एक बार इंटीग्रेशन एंड dx लगा देंगे, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब चलो एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2
यहाँ देखो ये एक्स है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स होगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होगा, माइनस यहाँ से इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वन, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, और यहाँ पर है डी एक्स तो डी एक्स, ये ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, देखते जाओ, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस टू, ये देखो एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस, ये ई के पावर एक्स और वन से करेंगे ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से इतना आया। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस, इन दोनों गुना करेंगे तो टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस टू ई के पावर एक्स, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो तीनों में ई के पावर एक्स है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा टू एक्स, और यहाँ भी बच जाएगा टू। ठीक है, एक मिस्टेक हुआ है, ये देखो माइनस, इसको माइनस है प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से टू आ गया, ई के पावर एक्स हम तीनों में क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा क्या ये, और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म होता है सी यहाँ पर जोड़ते जाओ, ये छोड़ना नहीं है, जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म सी जोड़ते जाएंगे, ये देखो हमारा आंसर। तो जब तक ऐसा फॉर्म में रहेगा उसी को एक ही फार्मूला को लगा लगा करके सारे क्वेश्चन को बनाना होता है, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दोगे बना ही दोगे, मेरे को पता है, आप पे बिलीव है। ठीक है, चलो अब प्रश्न संख्या पाँच देखेंगे, पाँच की चार, अभी चार देखेंगे, चार क्या है, एक्स लॉग एक्स है, एक्स लॉग एक्स, आइए यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रेशन और ये डी एक्स। देखो ये एक्स अलजेब्रिक है, लॉग एक्स तो हमारा लॉग है। ठीक है, तो अलजेब्रिक से पहले आता है कि बाद में आता है, पहले बताओ, देखो लॉग पहले आता है उसके बाद अलजेब्रिक आता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। ठीक है, चलिए लगाएंगे फॉर्मूला, क्या फर्स्ट को पहले लॉग एक्स है एक, एक नंबर पे, तो लॉग एक्स को बाहर, दूसरे वाले को इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट सेकंड कैसे कर रहे हैं, आईलेट के फॉर्मूला के फॉर्म पे। ठीक है ना, ध्यान देना, और दूसरे वाले को इंटीग्रेशन, फिर लगाएंगे माइनस, फिर सबको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा पहले वाले को अवकलन, तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, दूसरे वाले को इंटीग्रेशन, और टोटल में लगा देंगे डी एक्स। ठीक है, अब ये लॉग एक्स और इंटीग्रेशन एक्स का जब वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, ये सब तो कहोगे सर बेसिक है, हम लोग 7.23 में ही पढ़ लिए हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ाई किए हो तो समझ में आ रहा होगा। लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो वन बाई एक्स हो जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट रहेगा और यह डी एक्स। ठीक है, अभी देखो कट जाएगा तो कटा दो, एक्स स्क्वायर एक्स से कट गया तो एक्स बच गया। अभी देखो लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, ये हो जाएगा ऊपर एक्स है नीचे दो है और ये डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो ये हो, देखो इसको अच्छे से लिखोगे तो वन बाई टू को पहले लिख लो, उसके बाद लॉग एक्स लिख लो, और उसके बाद एक्स स्क्वायर लिख लो। ठीक है, माइनस इसमें वन बाई टू है ना, इसको बाहर कर दो, क्या बचेगा अब एक्स, यहाँ से डी एक्स, अभी हो जाएगा वन बाई टू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, एक्स का करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म सी जोड़ देंगे तो यहाँ पर कोष्ट में कर लो, यहाँ से हो जाएगा वन बाई टू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा चार एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर। समझ गए,
कोई दिक्कत हुआ? अब आप ही बताओ ये सारे प्रश्न आसान है या नहीं है, आप खुद बता सकते हो। और कहो कि सर हम तो प्रश्न संख्या 5 खुद से भी बना सकते हैं। मेरे भाई आप बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है, 100% बना सकते हो। एक्स लॉग 2x है, आप ट्राई करो ना। आपसे ही बोल रहा है कि बनेंगे, हमसे नहीं, ट्राई करो। चलो मेरे से पहले आप लोग बनाना, ठीक है, पहले इसको इंटीग्रेशन लगा लो। लगा लिया आप लोग, बहुत बढ़िया। अब देखो अब क्या करोगे, कौन फर्स्ट कौन सेकंड, ये अलजेब्रिक है, लॉग है, अलजेब्रिक बाद में आता है लॉग से, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। तो फर्स्ट वाले को बाहर कर देंगे, लॉग 2x हो गया। सेकंड वाले को इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो गया, माइनस इस टोटल का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ना, तो पहला जो है ना पहला उसको अवकलन, लॉग 2x का बाई, अब 2x है ना, इसको जब अवकलन करोगे तो लॉग 2x, और 2x का जब तोड़ोगे तो बेस बनेगा, ये ला दो नीचे, फिर यहाँ पर इसको अवकलन कर दो, डी 2x बाई अब dx हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने पूरा अवकलन कर लिया। उसके बाद देखो अब रूल में क्या होता है, दूसरे वाले को इंटीग्रेशन लगा दो x dx, और उसके बाद टोटल में यहाँ dx लगा दो। ये तो मैं पूरा सिर्फ इसका काम किया हूँ अवकलन का, ठीक है, उसके बाद जो रूल होता है वो लगा दिया मैंने। अब देखो log 2x इंटू x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस ये बड़ा इंटीग्रेशन है, log 2x को जब आप तोड़ोगे ना तो क्या होगा, 1/2x हो जाएगा, होगा, और 2x का जब आप करोगे तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, जब इसका अवकलन करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ देखो इसका तो मैंने 2x को 2 मतलब इसका अवकलन करोगे तो 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और टोटल में dx है तो dx को रख लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर जो कटेगा कटा देंगे, तो कट क्या रहा है भाई, देखो x से x कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या, वो अब लिख लेंगे, log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, ये देखो 2 है ना, इसको बाहर कर देंगे 1/2 को, ऊपर में बच गया x dx, बाकी है मैंने ये 2 बच गया था नीचे वाला तो मैंने इसको बाहर कर दिया। अब इसको लिख लो, ये 2 को पहले लिख लो, 1/2 log 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म c इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ से देखो 1/2, रुक जाओ यार, log 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर गुना करोगे, एक दो दो करेगो, दो दूनी के 4, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी हमारा आंसर, ठीक है। देख रहे हो ना कितना आसान है प्रश्न, आप खुद समझ सकते हो। प्रश्न संख्या आप 5 बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अब यदि मैं आपको बोल दूं कि चलो आप 6 नंबर प्रश्न बना करके दिखाओ तो क्या आप लोग बना दोगे? कहोगे सर एब्सोल्युटली हम भी बना देंगे, बिल्कुल बनाओगे। देखो 6 नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है ना, क्या करोगे, सबसे पहले ना इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड देखो, लॉग पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, तो क्या करोगे, फर्स्ट को बाहर कर देंगे और सेकंड को इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे सबको। देखो अब फर्स्ट को क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू दूसरे नंबर वाले को इंटीग्रेशन कर देंगे, और उसके बाद टोटल को इंटीग्रेशन करना है, डी एक्स लगा देंगे। चलिए लॉग एक्स का लॉग एक्स
एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स के पावर 3/3 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, इंटू इसका करोगे तो एक्स क्यू 3 हो जाएगा, और यहाँ से dx लगा देंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। अब देखो ये हो जाएगा 1/3 लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस यहाँ से इंटीग्रेशन, देखो 3 है ना, इसको बाहर कर देंगे 1/3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से 1/3 लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू 3, जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म सी जोड़ देंगे, यहाँ से होगा 1/3 लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस 1/9 एक्स क्यू प्लस सी, ये हमारा आंसर। देखो 6 नंबर प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया, कोई डाउट कोई दिक्कत आया, सारे प्रश्न आसान है बशर्ते आप ध्यान से बनाओगे तो। चलो यहाँ से अब 7 नंबर जो प्रश्न है आपको लॉन्ग में पूछा गया है, और देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं, आप मेरे से भी पहले बनाओ, लेकिन हाँ ये है कि आप लोग डर जाओगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इसका है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। इंटीग्रेशन लगा देंगे और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो इन्वर्स है, इन्वर्स तो आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पे आता है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फर्स्ट को क्या करेंगे बाहर, साइन इन्वर्स एक्स हो गया, दूसरे नंबर को इंटीग्रेशन, फिर क्या लगाएंगे माइनस, टोटल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट नंबर को अवकलन साइन इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स इंटू दूसरे नंबर को इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, टोटल को डी एक्स लगा देंगे। ठीक है, समझ में बातें आ रही है, अब चलो साइन इन्वर्स एक्स, अब एक्स है ना, इस एक्स का अवकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 माइनस यहाँ इंटीग्रेशन, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर 2 और ये डी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे भाई, अब देखो यहाँ क्या किया जाए, बोलो क्या किया जाए, यहाँ से मैं इसको लिखते चलूँगा, ये 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स एक्स ये आ गया माइनस, अब यहाँ पर इसको क्या किया जाए, इसको पहले गुना कर लेते हैं, 1 और एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना आ गया। अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है, फाइनल हुआ नहीं है, तो देखो क्या करता हूँ, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स एक्स माइनस यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये चीज़ बच गया। ठीक है, अब देखो तो मैं इसको क्या करूँ, यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो भारी मिस्टेक होगा, क्यों मिस्टेक होगा, क्योंकि बार बार इसको लिखना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा, तो मैं क्या करता हूँ ना कि इसको I1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स एक्स माइनस, ये जो पूरा है ना इसको हम I1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये I1 का मतलब है कि I1 का मान ले करके यहाँ पर मैं सॉल्व कर लूँगा, देखो I1 बराबर, I1 का मान क्या लिया इसको ना, यहाँ पर कर लेता हूँ
एक्स स्क्वायर बाई रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी सिंपल इसका इंटीग्रेशन निकाल करके इसका, ठीक है, और इसका जो मान आएगा ना यहाँ पर ला करके रख देंगे, आंसर हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में। अब इसको इंटीग्रेशन करो, आप लोग इंटीग्रेशन करना जानते हो ना कि जब रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करते हैं, साइन थीटा पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। इसको आगे जाओगे तो थीटा के मान की जरूरत पड़ेगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो साइन है इधर आएगा तो इनवर्स, हम थीटा का मान निकाल लिए क्योंकि आगे हमें काम है, ये सब हम लोग चैप्टर थ्री में पढ़े हैं। जहाँ जहाँ एक्स है ना साइन थीटा रखो, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है साइन थीटा रखेंगे क्या हो जाएगा, रख करके देखो उसके बाद पता लगेगा क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आई वन बराबर रूट अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई रूट अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी एक्स, ठीक है। आई वन बराबर यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से करोगे तो हो जाएगा, इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों डिवाइडेड बाई, इसका करोगे तो वन माइनस रूट अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, किसका होता है भाई, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का, और ये डी एक्स। अब देखो हमें डी एक्स के मान की ज़रूरत है, डी एक्स का मान आ जाएगा तभी तो मैं थीटा का मान रख पाऊँगा, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो डी एक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिए हो इसको क्या कर देंगे, अवकलन, ठीक है। तो यहीं पर रफ में एक्स इक्वल टू जो साइन थीटा है, रफ में नहीं साथ में ही एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, ये सब चैप्टर टू में पढ़े हो, प्रश्नावली 7.2 में पढ़े हो, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करो तो एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स साइन थीटा का डी साइन थीटा, और एक बार थीटा का करेंगे तो हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से ए वन हो गया, साइन का तो कॉस हो जाएगा और डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है, इधर आएगा तो डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब डी एक्स की जगह ए मान को रख देंगे तो आई वन बराबर ये हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा नीचे कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस कॉस कट गया, क्या बचेगा, आई वन बराबर क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा ये बच गया। अब इसको आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे पता ही नहीं लग रहा है कि कैसे हम लोग बढ़ाएं, तो इसका एक फार्मूला है, आ जाओ, ये हम लोग 7.3 में हम लोग पढ़े थे, याद है, क्या करते हैं इसको आगे बढ़ाना है ना, तो इसको आई वन बराबर इसको दो से गुना कर दो, ठीक है, और दो से भाग कर दो, ठीक है, दो से गुना दो से भाग, तो मैंने क्या किया, इसमें दो से भाग कर दिया, यहाँ पर दो से गुना कर दिया, ठीक है, तो आई वन बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा भाग किया हूँ वन बाई टू, और टू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, सब मल्टीपल में पढ़ाया है 7.3 में, वन माइनस टू कॉस टू थीटा होता है, ठीक है, ये अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हो, चलो आई वन बराबर वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, वन का करेंगे वन और डी थीटा, यानी इंटीग्रेशन डी थीटा हो जाएगा, माइनस एक बार कॉस टू थीटा डी थीटा हो जाएगा, यहाँ से आई वन बराबर वन बाई टू डी थीटा का हो जाएगा, थीटा कॉस टू थीटा का हो जाएगा, कितना, कॉस टू थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टू थीटा बाई टू, ठीक है, अब प्लस सी, इतना आ गया, यानी आई वन का मान हमारा इतना आ गया। यदि इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो इतना पर भी कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, देखो आई वन बराबर वन बाई टू, ये थीटा है ना तो थीटा ही रहने दो, अब ये देखो यहाँ पर ये वन बाई टू रहने दो,
साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, याद है ना। अब प्लस सी, अभी देखो टू टू कट गया। अब यहाँ से आई वन बराबर वन बाई टू थीटा का थीटा, ये देखो साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, इस कॉस को साइन में चेंज करोगे तो क्या होगा, रूट अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो साइन थीटा का मान था, देखो साइन थीटा को क्या माने थे, एक्स, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ एक्स रख देंगे। आई वन बराबर वन बाई टू, थीटा का मान क्या था, साइन इनवर्स एक्स, थीटा के जगह साइन इनवर्स एक्स कर दिए, साइन थीटा के जगह एक्स, एक्स रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, इतना हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो देखो आई का मान हमारा आ गया। अब हम समीकरण फर्स्ट में इसको रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में आई वन का मान देने पर, ठीक है चलो देते हैं। क्या है फर्स्ट ये है वन बाई टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस आई वन का रख दो इसको, वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। कैसे करोगे, इसको गुना करना होगा, ठीक है करो। तो ये हो जाएगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये जाकर गुना कर देगा, वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर। देखा थोड़ा लॉन्ग है लेकिन लॉजिक वाला प्रश्न है, ठीक है ध्यान से बनाओगे तो सारे प्रश्न बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है ध्यान से बनाइए, सारे प्रश्न को आप बना सकते हैं, समझ गए। और ध्यान से नहीं बनाइएगा तो नहीं बनने वाला एक भी प्रश्न, टच भी नहीं होगा आपसे। मेहनत करिए, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है चलिए अगला देखते हैं। आठ नंबर भी जस्ट इसके जैसा ही है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, वो भी आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। आठ नंबर क्या है, एक्स टैन इनवर्स एक्स है, ओके। सबसे पहला आपका काम ये है कि इंटीग्रेशन लगाइए और डीएस लगा दीजिए, इनवर्स पहले है, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है बनाइए। फर्स्ट को ज्यों का त्यों, दूसरे नंबर का इंटीग्रेशन, अगेन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अवकलन और दूसरे नंबर का इंटीग्रेशन, और उसके बाद टोटल में डीएक्स लगा देंगे। अब ये देखो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, इसका अवकलन करेंगे तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और ये डी एक्स रहेगा। अब क्या करते हैं, इस वन बाई टू को पहले लिख लेते हैं, वन बाई टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस, इस वन बाई टू को भी बाहर कर देते हैं तो बच क्या जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये चीज़ आ गया। अब देखो यहाँ से आपको माइंड लगाना होगा, क्यों, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन तो हो गया लेकिन ये अलग से इंटीग्रेशन आ गया। अब इसी को करने के लिए अपना माइंड लगाएंगे, हमारा अपना काम करेंगे। आइए, ये सब पीछे पड़े हो, ऐसा नहीं कि नहीं पड़े हो, सब पीछे पड़े हो। इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, जो समझ गया ना वो बोलेगा सर बहुत आसान होता है। ये माइनस वन बाई टू, अब यहाँ देखो इसको कैसे कर सकते हैं, यदि मैं इस एक्स स्क्वायर में वन जोड़ देता हूँ तो कहोगे सर कैसे जोड़ सकते हो, चलो भाई वन घटा दिया, अभी माइनस प्लस ख़त्म कर देंगे, एक जोड़ करके घटा दिए कोई दिक्कत नहीं, नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसा हम प्रश्न 7.3 में किए हैं। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग भाग दे देंगे, देखो कैसे, वन बाई टू
एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक बटा दो। इसको अलग अलग कैसे भाग देंगे भाई, देखो एक बार वन प्लस एक्स स्क्वायर में दे देंगे बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे मैंने कर दिया और ये हो गया डी एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा लो ठीक है। माइनस और एक बार वन है ना, वन में कर दो, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है। चलो वन बाई टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक बटा दो, इसको तोड़ेंगे ये तो पूरा कंप्लीट बन जाएगा हमारा वन कट करके, तो डी एक्स हो जाएगा। और ये देखो इंटीग्रेशन वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों रखो, अगले स्टेप में इसको तोड़ेंगे, ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला ही होता है इसका। देखो हो जाएगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक बटा दो, इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म सी जोड़ देंगे ओके। अब देखो वन बाई टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक बटा दो एक्स माइनस माइनस प्लस एक बटा दो टेन इनवर्स एक्स अब प्लस सी, ये हमारा आंसर ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, यदि आप बनाना चाहोगे तो आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत कोई बड़ी चीज़ नहीं है ठीक है। प्रश्न संख्या आठ कंप्लीट, किसी कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ ठीक है ना। चलो आ जाओ प्रश्न संख्या आठ हो गया ना, अब नौ देखो, नौ जो है ना सात के जैसा है, नौ सात के जैसा है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन है आसान, एक्स कॉस इनवर्स एक्स है, कैसे बनेगा, जिस तरह से हमने सात नंबर प्रश्न को बनाया है ना जस्ट वैसे ही इसको भी बनाएंगे, कृपया करके ध्यान से देखिएगा। ये इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने, ये फर्स्ट है ये सेकंड, तो फर्स्ट को पहले, ये देखो कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स ठीक है माइनस। अब देखो इंटीग्रेशन, अब फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, अवकलन कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स ठीक है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद दूसरे वाले को इंटीग्रेशन, और उसके बाद पूरा को डी एक्स यानी इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स को करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन बाई रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है इनटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये हो गया डी एक्स ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, अभी देखो माइनस है ना, माइनस को बाहर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वन बाई टू को भी बाहर कर देते हैं, बचेगा क्या हमारा एक्स स्क्वायर बाई रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। अब इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, कैसे करेंगे तो पहले इसको आई वन मान लेते हैं, जैसे मैंने प्रश्न संख्या सात बनाया था ना वैसे ही बनाएंगे, वन बाई टू एक्स स्क्वायर, वहाँ साइन था यहाँ कॉस है बस इतना ही अंतर है, प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन, इसको मैंने आई वन मान लिया डी एक्स, समीकरण फर्स्ट हो गया, यानी इस आई वन का इंटीग्रेशन निकाल दो काम हमारा हो जाएगा। चलो जी आई वन बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ठीक है। क्या करेंगे, एक्स बराबर साइन थीटा पुट कर लेंगे, क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना तो साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा,
देखो आगे हमें एक्स डी एक्स का मान की ज़रूरत है, तो इसको यहीं पर अवकलन कर लेते हैं। लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो क्या होगा, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, साइन थीटा का हो जाएगा डी साइन थीटा बाई डी थीटा, और थीटा को करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स। इसका हो जाएगा वन, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और ये डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी एक्स इधर आ जाएगा तो डी एक्स का मान आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रख देंगे, आई वन बराबर जहाँ जहाँ ना क्या है, देखो जहाँ जहाँ एक्स है साइन रखेंगे, साइन थीटा रूट अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स है एक्स के बदले कॉस थीटा इंटू डी थीटा रखेंगे। तो आई वन बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, क्या बचेगा साइन ना। अच्छा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर कर लो, ठीक है। क्या बचेगा, आई वन बराबर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बच गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, आइए दूसरे पेज पे इसको देखो कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आई वन बराबर इसमें क्या करो, दो से भाग दे दो और दो से गुना कर दो, कोई अंतर भी नहीं होगा, काम भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ से आई वन बराबर वन बाई टू, अब टू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते होंगे, जानते हैं नहीं जानते हैं, क्या होता है सब मल्टीपल में वन माइनस कॉस टू थीटा होता है, और ये डी थीटा, ठीक है। आई वन बराबर वन बाई टू, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा, और ये हो जाएगा कॉस टू थीटा इंटू डी थीटा। आई वन बराबर वन बाई टू, डी थीटा का हो जाएगा थीटा, कॉस टू थीटा का हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा बाई टू, और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म सी जोड़ देंगे। अब इसे गुना कर देंगे वन बाई टू से, तो ये हो जाएगा कितना, वन बाई टू, ऐसे करो ना वन बाई टू थीटा का मान रख दो, थीटा का मान क्या लाए थे आपने साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पर साइन। अच्छा यहाँ देखो एक मिस्टेक हो रहा है, इसको आप तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे, ये जो अगला स्टेप में करता हूँ ध्यान देना, आई वन बराबर वन बाई टू ये थीटा माइनस ये वन बाई टू का टू, ये साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये टू टू कैंसिल। आई वन बराबर वन बाई टू थीटा माइनस साइन थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ही, कॉस के बदले लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी रूट में, ठीक है। आई वन बराबर वन बाई टू ये थीटा, साइन थीटा के बदले क्या लिख सकते हो, देखो साइन थीटा के बदले हम क्या माने थे एक्स, वहाँ पर मैंने एक्स कर दिया, रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, थीटा के बदले क्या माने थे, थीटा का मान क्या लाए हो साइन इनवर्स एक्स, आई वन बराबर वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया आई वन का मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यदि आप चाहते हो कि एक्स का मान भर दें तो भर दो, क्या है साइन थीटा है ना, आप भर सकते हो, भर दें, आई वन बराबर वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान है साइन थीटा रूट अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी, ये भी कर सकते हो, ठीक है। अरे यार मैंने वही सेम चीज़ यहाँ पर तक किया था, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप छोड़ दो, दो बार कई बार थोड़ी काम करेंगे, ऐसा मेरे को लाना है,
ये मैंने ला दिया आई वन का मान। अब क्या करेंगे, इस आई वन का मान को समीकरण एक में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण एक में आई वन का मान देने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलो जी, वन बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू आई वन का मान रखो, आई वन का मान है 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/4 ये साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स रूट अंदर 1 - x² और प्लस सी। ये हमारा आंसर होगा। तो थोड़ा दिमाग लगा कर बनाओगे तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान है, सारे आसान क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है सर मेरे से नहीं बनेगा, मेरे भाई आपसे ही बनेगा, आप एक बार बनाओ तो सही, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर क्या है ये देखो, थोड़ा अलग है। साइन इनवर्स एक्स के पावर 2 है। अब ऐसा नहीं कि आपको डर जाना है कि सर मेरे से नहीं बनेगा, बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा दो और ये dx कर दो, हो गया। अब ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको पुट कर लो जेड। मैंने पुट कर लिया साइन इनवर्स एक्स के बदले जेड, यानी जहाँ जहाँ अब साइन इनवर्स एक्स था अब वहाँ जेड लिख सकते हैं, ठीक है। यदि मैं चाहूँ यहाँ से एक्स का मान निकालने के लिए तो निकल जाएगा क्या, बिल्कुल, एक्स का मान मैं निकालना चाह रहा हूँ तो एक्स हो गया, इनवर्स से बराबर में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, साइन जेड हो गया। अब इसको मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, dx/dx और ये हो जाएगा डी साइन जेड, जेड बेस बन रहा है उसको लाएंगे नीचे, फिर जेड को कर देंगे dz/dx, ये 1 हो जाएगा साइन जेड का कॉस जेड और dz/dx, यहाँ से इधर आएगा भाग कर रहा है तो इधर आएगा तो गुना कर देगा 1 में, तो dx बराबर हो जाएगा कॉस जेड dz, ठीक है। अब क्या किया जाए, कॉस जेड dz है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, उसको इंटीग्रेशन करना है ना, इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, जेड। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, नहीं समझ रहे हो ना, समझोगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, सब समझ में आएगा। इसको मैंने क्या लेट किया है, जेड। तो देखो आई बराबर, आई मतलब इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स को मैंने जेड माना है तो जेड का स्क्वायर हो गया, और ये डी एक्स का मान मैं देखो ये लाया हूँ कॉस जेड डी जेड। देखो इस क्वेश्चन को मैंने इसमें फॉर्म में तोड़ दिया, अब आप बनाओगे तो किस में आ गया, सखंड में, सखंडज मेथड जो होता है ना इवन टू भी, उसमें नहीं आ गया, यहाँ पर नहीं था इसलिए उसको ऐसे करके यहाँ पर लाया गया, ला करके अब बना दो आपका काम हो जाएगा, बना दोगे ना, अब बना दे कि बना दोगे, कहोगे सर बना ही दो, चलो मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या है, ये है हमारा जेड स्क्वायर यानी अलजेब्रिक है, और ये ट्रीगो है, ये पहले आता है बाद में, फर्स्ट ए सेकंड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहले वाले को क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, दूसरे वाले को इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, फिर माइनस, फिर पहले वाले को अवकलन, ठीक है, सब जेड में है तो यहाँ पर जेड लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद दूसरे को इंटीग्रेशन, फिर ऑल को dx, अब यहाँ से ये जेड स्क्वायर इंटू, अब कॉस जेड है, कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड हो जाएगा,
ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर का अवकलन करोगे तो टू जेड हो जाएगा, ठीक है, टू जेड इंटू कॉस जेड का क्या होगा, साइन जेड हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन जेड, और ये डी जेड है यहाँ पर डी जेड, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से जेड स्क्वायर साइन जेड माइनस टू को बाहर कर देंगे तो ये बनेगा जेड इंटू साइन जेड डी जेड। यहाँ फिर से एक बार यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा करके अवकलन करना पड़ेगा, चलो कर देते हैं। इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, जेड स्क्वायर इंटू साइन जेड माइनस ए टू, इसको यू इंटू वी पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को ज्यों का त्यों, सेकेंड को इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट को अवकलन और सेकेंड को इंटीग्रेशन और उसके बाद टोटल को इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से जेड स्क्वायर साइन जेड हो गया माइनस टू और ये जेड हो गया, साइन जेड को करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन कॉस जेड हो जाएगा माइनस इसका वन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉस जेड हो जाएगा और ये डी जेड। यहाँ से जेड स्क्वायर साइन जेड माइनस टू जेड कॉस जेड माइनस ये कॉस जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस जेड का करेंगे तो हो जाएगा साइन साइन जेड, ठीक है, और यहाँ से सारा चीज़ ख़त्म और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हाँ एक बात याद रखिएगा, साइन का प्लस होता है कॉस का, कॉस का किस में होता है, माइनस में, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो जेड स्क्वायर साइन जेड ये दो को इसमें गुना करेंगे, टू जेड कॉस जेड ये माइनस दो को इसमें करेंगे, माइनस प्लस माइनस टू साइन जेड प्लस सी, ये हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट है तो छोड़ रहने दो। हाँ बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये साइन में है ये कॉस में है, साइन इस कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो, आपका आंसर नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल कहोगे बिल्कुल आपका बात सत्य है, लेकिन मैं आपको बात बोलूँ, ये जो मैंने लाया है ना ये भी आंसर सही है। देखो इंटीग्रेशन में आंसर के पीछे नहीं भागना होता है, यदि आप आंसर के पीछे भागोगे तो आपको आंसर आ ही नहीं सकता है। मान लो कि आप एग्ज़ाम देने गए हो, मान लो यही क्वेश्चन मिल गया, आप इसको बनाते हुए गए और यहाँ पर आप पहुँच गए और आपको पता नहीं लग रहा है कि अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि कहाँ तक पहुँचे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, तो क्या आपका गलत हो जाएगा, नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये बात, आपको मैं बोलता हूँ, ऐसे तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, क्या होता है एग्ज़ाम में मान लो एक क्वेश्चन आ गया, आप यहाँ तक बना दिए लेकिन किताब में आंसर नहीं आया है, तो क्या गलत हो गया, 100% सही है, आपका जो इंटीग्रेशन करने का काम दिया गया था आपने कर दिया, अब आगे जो करना है ना त्रिकोणमिति और अलजेब्रा को लेकर के सॉल्व करना होता है, तो वो करे या ना करे उससे कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको आ रहा है तो कर सकते हो, नहीं आ रहा तो आप छोड़ दो, काहे ला गलत करोगे, आगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हाँ वही लोग नंबर काट देते हैं, वही टीचर नंबर काट देते हैं जिनको नहीं आता है, सिर्फ आंसर लेकर बैठे हैं कि आंसर आ रहा है, वो देखेंगे नहीं आ रहा है बस काट देंगे, तो वैसे टीचरों से हमको लेन देन कुछ नहीं होता है, वो लोग बिल्कुल मूर्ख हैं, बहुत हम देखते हैं ना कोई टीचर 10 तक पढ़ाता है बराबरी का कॉपी जाकर चेक करता है, तो वो तो आंसर चेक करने लग जाता है, आंसर में ही बच्चों का नंबर कम आ जाता है, मैं अक्सर देखते रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस बात से घबराना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ाई होना चाहिए, मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बाकी नंबर्स में कुछ नहीं रखा है, बट आप पढ़ रहे हो नंबर तो आना चाहिए तभी पेरेंट्स खुश होंगे, ये तो बात है, बट फिर भी आप लोग टेंशन ना लो, मैं आपको सारा मेथड सिखाऊंगा, ये भी सही है, यदि आप आगे बढ़ोगे इसको आंसर मैच करना चाहते हो तो कैसे कराओगे, देखो मैं क्या सोच रहा हूँ कि सबको साइन में ही कर दूँ, तो पहले देखो ये जेड स्क्वायर है, क्या है, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर आने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना साइन जेड के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन जेड के बदले एक्स लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एक्स कर दिया माइनस टू, ये जेड है ना, ये जेड है, इस जेड के बदले हम क्या लिख सकते हैं, आप टू जेड ही कर लो, बाद में कुछ करना,
रूट अंदर। इस कॉस जेड के बदले मैं ऐसा लिख सकता हूँ का वन माइनस साइन स्क्वायर जेड। बोलोगे सर बिल्कुल ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, बिल्कुल। ये टू ये साइन जेड है ना, साइन जेड, जेड के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन जेड के बदले एक्स लिख सकता हूँ। ये देखो मैंने एक्स कर दिया प्लस सी, ये भी आंसर हो गया। यदि आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो और आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बढ़ाओगे, ध्यान देना, बढ़ जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझ गए। आगे बढ़ाना चाहोगे तो ये बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि इतना ही पर ख़त्म हो जाएगा, नहीं मेरे भाई। आप ये जो जेड स्क्वायर देख रहे हो ना, आ जाओ, ये देखो जेड का मान साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या मैं जेड के बदले साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। यदि स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, इंटू एक्स है तो एक्स। ये टू का टू, इस जेड के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। रूट अंदर वन माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये साइन जेड है ना, साइन जेड के बदले क्या लिख सकता हूँ, एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अब प्लस सी। ये आंसर हो गया, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और ये भी आंसर सही है। तो वहाँ एग्जाम में आपको आंसर नहीं मिलेगा कि आप जाओगे लाने, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी टीचर लोग कॉपी चेक करते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज़ आप लोग क्या करना, मेरे को तो पता नहीं है कि टीचर सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, हमारे तो सर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बट कभी भी आपको मौका मिले तो इस बात को अपने टीचर से जरूर बताना कि सर ऐसा होता है क्या। बट कोई टीचर देख रहे हैं तो बातों को याद रखो यार, कि आप लोग थोड़ा कॉपी को अच्छे से चेक करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, मान लो कितना मेहनत किया है और इसकी वजह से आप जीरो नंबर दे दोगे तो कितना उसको फ़र्क पड़ेगा बताओ, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मेहनत करो, नॉलेज होना चाहिए, नंबर कभी भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ एक और बात, जिनको ज्वाइन करना है ना, इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लेना ज़रूर, ठीक है। आपको यदि पूरा क्लास करनी है तो, या इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, कार्व एकेडमी। ओके, थैंक यू सो मच।